देखिए आज अगली वीडियो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। इसके पहले हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे धारावाही प्रणालिका की छड़ चुंबक से समानता क्या है। धारावाही प्रणालिका तथा क्षण चुंबक में समानता क्या है। पहली समानता है क्षण चुंबक धारावाही प्रणालिका। जैसा हम जानते हैं धारावाही प्रणालिका में सभी वो गुण पाए जाते हैं। धारावाही प्रणालिका में वो सभी गुण पाए जाते हैं जो एक क्षण चुंबक में पाया जाता। धारावाही प्रणालिका में वो सभी गुण पाए जाते हैं जो एक क्षण चुंबक में पाया जाता है। और धारावाही प्रणालिका को या क्षण चुंबक को एक धागे स्वतंत्रता पूर्वक बांध कर लटका दिया जाए। क्षण चुंबक या धारावाही प्रणालिका को किसी धागे से बांध कर लटका दिया जाए तो सदैव वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता, सदैव वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। और परस्पर या कहा था दूसरा पॉइंट है रहेगा कि धारावाही प्रणालिका में वो सभी गुण पाए जाते हैं जो क्षण चुंबक में पाया जाता है। यदि धारावाही प्रणालिका या क्षण चुंबक यही स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांध कर लटकाया जाए तो सदैव वह उत्तर दिशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। दूसरा पॉइंट है ये दो समांतर धारा ये दो धारावाही प्रणालिकाओं को पास पास लाया जाए। ये दो धारावाही प्रणालिका को एक दूसरे के पास लाया जाए तो वह आकर्षित या प्रतिकर्षित होती। वह आकर्षित या प्रतिकर्षित दूर ले जाए जाए प्रतिकर्षित आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है। जिस प्रकार दो क्षण चुंबक परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं ठीक उसी प्रकार जब जिस प्रकार दो धारावाही प्रणालिकाओं को परस्पर पास लाया जाए तो आकर्षित या प्रतिकर्षित होती। उसी प्रकार क्षण चुंबक भी हमारा जब जो क्षण चुंबक को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो क्या होता है उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। तीसरा पॉइंट है धारावाही प्रणालिका तथा क्षण चुंबक, धारावाही प्रणालिका तथा क्षण चुंबक दोनों ही लोहे के छोटे कतरन को क्या करते हैं अपनी ओर आकर्षित करते। धारावाही प्रणालिका और क्षण चुंबक दोनों को एक दूसरे के लोहे के कतरन इत्यादि के पास रख दिया जाए तो दोनों क्या करते हैं लोहे के छोटे कतरन को टुकड़े क्या करते हैं अपनी ओर आकर्षित करते, आकर्षित करने का गुण होता। और धारावाही प्रणालिका क्षण चुंबक, धारावाही प्रणालिका और क्षण चुंबक दोनों के सभी चाहे एक क्षण चुंबक है धारावाही प्रणालिका, धारावाही प्रणालिका और क्षण चुंबक दोनों के पास कंपास सुई लाने पर उसमें क्या हो जाता है विक्षेपित हो जाती है। धारावाही प्रणालिका या कंपास सुई दोनों के पास अगर कंपास सुई को लाया जाए तो उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है विक्षेपित हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि धारावाही प्रणालिका में वो सभी गुण पाए जाते हैं जो एक क्षण चुंबक में पाया जाता है। धारावाही प्रणालिका में वो सभी गुण पाए जाते हैं जो एक क्षण चुंबक में पाया जाता है। दूसरी बात कह सकते हैं अभी अंतर थोड़ा सा क्या है, धारावाही प्रणालिका में चुंबकत्व का गुण तभी तक रहता है जब तक प्रणालिका में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। धारावाही प्रणालिका में चुंबकत्व का गुण तब तक संभव है जब तक उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जैसे ही प्रणालिका से धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं वैसे उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। जैसे ही प्रणालिका में वैद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं वैसे इसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा समाप्त, पर इसका चुंबकत्व समाप्त नहीं हो चुके चुंबक। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रणालिका का चुंबकत्व की समाप्त हो जाता था। स्पष्ट है कि वैद्युत आवेश का प्रवाह ही चुंबकत्व उत्पन्न होने का कारण होता, वैद्युत आवेश का प्रवाह ही
चुंबक प्रणालिका में चुंबकत्व उत्पन्न होने का कारण होता है, क्योंकि वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तभी उसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा। यदि वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात कह सकते हैं कि वैद्युत धारा का प्रवाह ही आवेश उत्पन्न होने का कारण होता है, आवेश उत्पन्न होने का कारण होता है। अगली हमारी हेडिंग क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं और काल्पनिक रेखा होती है। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अभिरत प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को अभिरत क्या करती है, प्रदर्शित करती है, निरूपित करती है। यह अभिरत कंटिन्यूअस चलती रहती, रुकती नहीं। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अभिरत प्रदर्शित करती है, अभिरत कंटिन्यूअस चलती रहती है, कंटिन्यूअस का प्रदर्शन करती रहती है। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अभिरत क्या करती है, प्रदर्शित करती रहती है, उनका प्रदर्शन करती रहती, प्रदर्शन होता रहता है, दिशा को व्यक्त करती रहती है। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अभिरत प्रदर्शित करती रहती हैं, उनका प्रदर्शन होता रहता है। चुंबकीय बल रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। आगे देखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे आप बताया गया इसके गुण होते हैं, जो अभी आप धारावाहिक संचालिका बताया गया। चुंबकीय बल रेखाएं, पहला पॉइंट है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा एक वक्र पर आती हुई, देख रहे हैं ना, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा एक वक्र पर आती हुई दक्षिणी ध्रुव में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। दक्षिणी ध्रुव में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाते हुए दक्षिण ध्रुव में क्या जाती है, प्रवेश कर जाती है, प्रवेश करती है। उत्तरी चुंबकीय बल रेखाएं वह रेखाएं हैं, बता गया, चुंबकीय बल रेखाएं वह रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं की एक काल्पनिक काल्पनिक रेखा है जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अवरत क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इसके कई भाग होते हैं, मुख्य भाग है, पहला पॉइंट है आपका कि चुंबकीय बल रेखाएं वह रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव निकलती हैं तथा वक्र बनाते हुए दक्षिण ध्रुव में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। दक्षिण ध्रुव क्या कर जाती है, अंदर प्रवेश होती हुई उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। जैसे इस तरह यहां से निकली, ऐसे आते हुए उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर गई, फिर क्या करते हैं, वक्र बनाते हुए उत्तरी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। ये क्रिया बार बार कंटिन्यूअस चलती रहती है, ये क्रिया बार बार क्या होती है, कंटिन्यूअस चलती रहती है। अतः यह एक बंद वक्र बनाती है, अतः यह क्या हो जाती है, इस तरह से एक बंद वक्र बना लेती है, इस तरह से यह एक बंद वक्र बनाती है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को, दो बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं वैद्युत नहीं, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है, वैसे तो वैद्युत वाले पूछा जाता ज्यादातर, लेकिन यहां जान लेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखा खींची जाती, यदि मान लीजिए काट देती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखाएं खींचे, जो कि क्या असंभव है, जो कि क्या होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि चुंबकीय बल रेखाएं दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यदि काटती तो कटान बिंदु पर स्पर्शी दो स्पर्शी रेखा खींची जा सकती, जो कि असंभव है, जो कि क्या है, क्षेत्र की वहां दो दिशाएं हो जाती, क्षेत्र की वहां दो दिशाएं हो जाती, जो कि क्या होता है, असंभव होता, जो क्या है, असंभव है। तीसरा पॉइंट है इसका, देखिए चुंबक के ध्रुवों के करीब,
चुंबक का ध्रुव जो होता है, चुंबक के ध्रुवों के समीप चुंबक की प्रबलता क्या होती, ज्यादा होती। चुंबक देख रहे ना, देखे एक कांच में पता है रेखाएं इधर से प्रवेश करती इधर क्या आती है, वक्र बनाते हुए दक्षिण ध्रुव से होते हुए उसी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। एक क्रिया कंटिन्यूअस अविरत चलती रहती है, क्रिया कंटिन्यूअस अविरत क्या होती है, चलती रहती है। और चुंबकीय ध्रुवों के करीब पा चुंबक की प्रबलता क्या होती है, ज्यादा होती है। आकर्षण की प्रबलता क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे जैसे दूर जाते हैं वहां पर उसकी प्रबलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहां पर उसकी प्रबलता कम होती जाती है, वहां प्रबलता इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। यदि किसी स्थान पर चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं परस्पर, यदि किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर या दूरस्थ हो, समांतर या दूरस्थ हो, तो उस अवस्था में इसका अर्थ है कि यहां पर एक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, हमारा समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है हमारा, ऐसे क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, ऐसे क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस तरह से बताया गया कि चुंबकीय पर क्षेत्र, चुंबकीय रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वो काल्पनिक है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लगातार क्या करती है, प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लगातार क्या करती है, प्रदर्शन करती है, अविरत रूप से उसको प्रदर्शित करती रहती है।